सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और होस्ट जसवंत, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का गेमिंग विद जसवंत यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे रीजंस के ऊपर जिसके कारण आप जो है अभी न्यू प्लेयर हो फ्री फायर में, ठीक है। तो मैंने फ्रेंड्स अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी भी यूट्यूबर को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, और मुझे लगता है कि भाई ऑडियंस को या जो हमारे फ्री फायर के प्लेयर्स हैं उनको इस टॉपिक की ज़रूरत है। एंड जो रीजंस है जिसके कारण वो प्रो प्लेयर नहीं बन पा रहे हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके कारण आप जो है अभी तक प्रो प्लेयर नहीं बन पा रहे हो फ्री फायर में। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने सब्सक्राइबर्स के मेरे को कमेंट आते हैं रेगुलरली कि भाई हम जो है एरो गेमिंग को देखते हैं, ज्वंटी गेमिंग को देखते हैं, अर्पण गेमिंग को देखते हैं, आपको देखते हैं, मतलब आप सभी यूट्यूबर्स की वीडियोज को फॉलो करते हैं, अपने दिमाग में भी रखते हैं, लेकिन हम अभी भी न्यू प्लेयर हैं, प्रो प्लेयर बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है मैंने लिया है आप सभी लोगों के लिए, एंड आज जो है सब कुछ क्लेरिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वो है मोबाइल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो सभी लोगों को पता है कि भाई जिसके पास जो है अच्छा मोबाइल होता है वही एक अच्छा प्लेयर बन पाता है, ठीक है। जिसके पास अच्छा प्लेयर नहीं होता है वो चाहकर भी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाता है। किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक ये नहीं बोला है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मतलब ऐसा होता है, ये फैक्ट है। कई सारे लोग नहीं बोलते हैं, बट मैं जो हूँ सच्चाई जो है मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। जो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड बंदे, जो कि अपना गेम प्ले मतलब उनका एकदम तगड़ा वाला है, लेकिन वो मात खा जाते हैं, वो होता है उनका डिवाइस, उनका मोबाइल या कम रैम वाला लो डिवाइस, ठीक है। तो इस कारण जो है वो पीछे हो जाते हैं गेम में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात की जाए, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स इंडिया में भरे पड़े हुए हैं, बट यहाँ पर जो है वो जो है उनके फ़ोन के लैग के कारण जो है न्यू प्लेयर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, जिनके पास भी कम रैम वाला मोबाइल है या लो डिवाइस है, तो और अगर आपको फ्री फायर खेलने का शौक है, तो आप जो है स्मूथ ग्राफिक्स में खेलें, ठीक है। कोशिश करें स्मूथ ग्राफिक्स में खेलने की, एंड जो है मतलब कम से कम ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, ठीक है। कम से कम ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। एंड अभी तो फ्रेंड्स यही है कि अगर आपके पास लो डिवाइस होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है गेम को खेलने में, ठीक है। मेरे भाई हैं बलवंत भाई, उनके पास अभी जो है लो डिवाइस है, एंड लो डिवाइस में गेम प्ले करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। मैंने देखा है भाई, 2 GB रैम वालों को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कॉल आ जाए या कोई भी दिक्कत है तो बहुत ही ज़्यादा गेम लैग होता है। और फ्रेंड्स, ये भी रीज़न है आपके न्यू प्लेयर होने का। अभी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है डायमंड्स, पैसा। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई हम जो है डायमंड टॉपअप नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रो प्लेयर नहीं है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं कि भाई पैसा बहुत लगाते हैं लेकिन अभी तक प्रो प्लेयर नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं आप सभी लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जो पैसा लगाता है वो प्रो प्लेयर होता है, या जो पैसा नहीं लगाता है वो प्रो प्लेयर होता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है हमारी स्किल्स की, ठीक है। जो बंदा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा वही एक अच्छा प्रो प्लेयर फ्री फायर में बन पाएगा, ठीक है। आज से 1 साल पहले की अगर बात की जाए तो मेरे को गेम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बट फ्रेंड्स जैसे मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, गेम में इंटरेस्ट लिया, उसके बाद मतलब मेरे पास अच्छी खासी डिवाइस थी। सबसे पहले आप सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये मैं अपनी सिंपथी नहीं लूँगा कि यार मैं जो हूँ लो डिवाइस में खेला हूँ या बहुत ही ज़्यादा लैग रहता था गेम में और मैं खेलता रहता था गेम। नहीं मेरे भाई, मैं शुरू से मैं जो हूँ हाई फाई डिवाइसेस में गेम खेल रहा हूँ, मतलब 4 GB से नीचे के रैम के मोबाइल में मैंने गेम खेला ही नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हूँ अच्छे खासे हाई फाई डिवाइसेस में मैंने शुरू से गेम को खेला है, एंड देन मैंने जो है गेम को अपने मतलब सीरियसली लिया एंड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पहले भी पैसा नहीं लगाता था गेम में, एंड अभी भी फ्रेंड्स मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाता हूँ, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी में बस पैसा लगाता हूँ। तो जैसे कि हो गया एलाइट पास, ठीक है। तो एलाइट पास ले लेते हैं, देखो ड्रेस और गन स्किन में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये सोचते हो कि एक अच्छा ड्रेस पहनने से हम प्रो प्लेयर बन जाएंगे, तो नहीं मेरे भाई, नहीं बन पाओगे, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं जो हूँ अच्छे गन स्किन्स के साथ एक प्रो प्लेयर बन जाऊँगा, तो नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, फ्री फायर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपके पास अगर गन स्किन नहीं भी है और अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हो तो आप एक अच्छे प्रो प्लेयर बन जाओगे, ठीक है। अगर आप अपनी ग्लू वॉल तेज डालने की स्पीड कर लेते हो तो आप जो है M10-14 गन स्किन प्लेयर को विदाउट स्किन MP40 से हरा सकते हो।
पता है फ्रेंड्स, अगर आप जो है थोड़ा सा मतलब गोली चलाओ एंड तुरंत से देन ग्लू वॉल लगा लो एंड उससे जो है अच्छे से मतलब अपनी स्किल्स से आप फाइट करो तो आप किसी भी बंदे को बीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यार देखो, ये नहीं है कि आप पैसा लगाते हो तभी आप एक प्रो प्लेयर बन पाओगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं विदाउट गन स्किन, मैंने गेम प्ले किया है एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब एक ही बार मैं वीडियो बना लेता हूं, ठीक है, विदाउट गन स्किन, क्योंकि वहां पर फ्रेंड्स स्किल्स काम आती है, स्किन किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। एंड सब कुछ है, बस आपको अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना होगा अगर आप अच्छे डिवाइसेस में खेलते हो। यार देखो, लो डिवाइस वालों के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा यार, भाई देखो वो अपनी प्रॉब्लम होती है, एक परिवार की प्रॉब्लम होती है या अपन ऑफर नहीं कर पा रहे हैं इतना मतलब बड़े डिवाइस वाले मोबाइल, तो वो बात एक अलग है। आप गेम को सीरियसली मत लो, एज अ टाइम पास आप खेल सकते हो, ऑफलाइन गेम्स भी खेल सकते हो, बहुत सारे गेम्स हैं एंड फ्री फायर भी आप खेल सकते हो टाइम पास के लिए, एंड आपको जो है उसको सीरियसली नहीं खेलना है, ठीक है, गेम गेम है उसको सीरियसली कह लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गई बात कि जो पैसा लगाते हैं वो प्रो प्लेयर नहीं होते हैं, ठीक है, पैसा लगाने वाले होते हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो पैसा नहीं लगाते वो भी प्रो प्लेयर होते हैं अगर वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं एंड मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो आप सभी लोग जो है ट्रेनिंग मोड खेल सकते हो, कस्टम रूम में आप गेम प्ले कर सकते हो अनलिमिटेड ग्लू वॉल्स करके, ठीक है। तो इससे जो है आप सभी लोग जो है आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे प्लेयर बन पाओगे फ्री फायर में। तो एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, एक प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम से कम दिन में 1 घंटे आप प्रैक्टिस करें, इससे आपको आपके गेम प्ले में थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट्स आएंगे एंड आप जो है आगे चल के प्रो प्लेयर बन जाएंगे। फ्रेंड्स एक दिन में कोई भी प्रो प्लेयर नहीं बनता है, ठीक है, आज से 1 साल पहले की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा नूब था उस समय पे एंड देन धीरे धीरे इम्प्रूव किया एंड आज जो हूँ इस सिचुएशन में मैं आया हूँ कि आज बंदे मुझे खुद बोलते हैं कि भाई आप एक अच्छे प्लेयर हो, ठीक है, अच्छे प्लेयर हो, प्रो प्लेयर हो। तो आपको ही बंदे बोलेंगे लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी एंड अगर आप 1 महीने रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गारंटी मैं देता हूँ कि दूसरे महीने आप प्रो प्लेयर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट हमारा है इंटरनेट पिंग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई इंटरनेट बहुत स्लो है एंड पिंग बहुत हाई हो रही है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है मतलब ये तो एकदम मतलब सीरियस टॉपिक है। मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई पिंग हाई हो जाता है, जैसे फाइट लेते हैं तो हमारा पिंग हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो इंटरनेट है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। यूट्यूब पे आप सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कि बताते हैं कि भाई VPN कनेक्ट करके खेलो या कुछ भी। तो यार देखो, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पिंग एक ऐसी चीज़ है, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, समझ रहे हो, जिसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वो सिर्फ आपके मतलब डिपेंड करेगा आपके सर्वर पे, ठीक है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, जो आपका इंटरनेट स्पीड रहेगा उस हिसाब से आपकी गेम का पिंग चलेगा। या मैं ये बात मानता हूँ कि यार फ्री फायर का जो सर्वर है वो भी थोड़ा मतलब सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरनेट सही रहता है तो फ्री फायर का सर्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा आपके मोबाइल में। मतलब आपका लो डिवाइस भी है तो आपकी पिंग कभी हाई नहीं जाएगी अगर आपका इंटरनेट फास्ट रहेगा तो। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो गाँव मतलब विलेजेस में रहते हैं एंड वहाँ पर इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। एंड मैं भी विलेज से ही बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसी मतलब इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई पिंग हाई हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता पूरे इंटरनेट पे एंड इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कहीं देखा जाए तो आप अपने डिवाइस को जो है रीस्टार्ट कर सकते हो एंड अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है रेगुलरली 1-2 महीने से तो आप जो है कंपनी को भी कॉल कर सकते हो। आप जो भी सिम यूज़ करते हो, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, आप जो भी सिम यूज़ करते हो तो आप उनके ऑपरेटर को आप कॉल करके आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हमको हो रही है, तो वो बताएंगे कुछ रीजंस, आपके मोबाइल में भी कुछ सेटिंग्स वो बता देंगे, तो शायद उससे जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कस्टम HUD, ठीक है। तो फ्रेंड्स कस्टम HUD एक ऐसा मतलब टॉपिक है, मतलब ये तो मतलब किसी भी यूट्यूबर ने बताया ही नहीं है, मतलब बताया है लेकिन ज़्यादा यूट्यूबर ने नहीं बताया, ठीक है, ज़्यादा यूट्यूबर्स ने नहीं बताया। तो फ्रेंड्स जो फ्री फायर का कस्टम HUD होता है डिफ़ॉल्ट, मतलब जो पहले से रहता कस्टम HUD, उस कस्टम HUD में मतलब मैंने ज़्यादा प्लेयर्स को खेलते हुए नहीं देखा है, ठीक है। एंड मैंने देखा है SK साबिर भाई हैं जो हमारे, उन्हीं को बस देखा है मतलब फ्री फायर के डिफ़ॉल्ट कस्टम HUD में खेलते हुए। तो वो भाई शुरू से उनकी आदत होगी
जाएगी। लेकिन अगर आप जो है बार बार कस्टम एचयूडी चेंज करते हो, मतलब आज ग्लू वॉल को इधर कर दिया, कल इधर कर दिया, मतलब और कुछ भी जंप बटन को इधर कर दिया उधर कर दिया, तो इससे जो है आपका गेम प्ले बिगड़ सकता है। आपको जो है हमेशा एक ही कस्टम एचयूडी रखना है, उस कस्टम एचयूडी को कभी भी चेंज नहीं करना है, एंड उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी को अपने हैंड्स के ऊपर आपको जमाना है, जिससे जो है आप सही स्पीड से गेम प्ले कर पाएं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, एंड आप सभी लोग क्या कीजिए, जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ प्रो टिप्स के, उनको फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद उनको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ताकि आपका गेम प्ले जो है इम्प्रूव हो पाए और आप जो है एक अच्छे प्लेयर बन पाएं। मैं यही कोशिश करता रहूँगा, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर्स ने इन प्रॉब्लम्स को यार नहीं बताया हुआ है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर क्या पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार का क्वालिटी वाला कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।